हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। फिर से लेके आ चुका हूँ एक नया रिक्रूटमेंट जिसमें अंदर आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। पोस्ट वाइज के रिक्रूटमेंट है आज की इस वीडियो के अंदर, उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते तो किस तरह से एप्लीकेशन करना है, क्या है प्रोसीजर, सब कुछ आप लोगों को बताऊँगा। इंडियन पोस्ट की तरफ से बहुत बड़ी अपडेटेड न्यूज़ निकल के आया है जहाँ पर आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। बेसिकली यहाँ पे इंडियन पोस्ट की तरफ से बता दिया जा रहा है कि ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे जगहों में जो है एमटीएस पोस्टमैन एंड मेल गार्ड की फिर से एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी करने वाले हैं जहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेशन करने की प्रोसेस भी आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो तो जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते उनके लिए किस तरह से एप्लीकेशन करना है उसको मैं बता देता हूँ। फर्स्ट तो आप लोग ये तीनों जो पोस्ट है, इन तीनों पोस्ट के अंदर अगर आप एप्लीकेशन करने के लिए, आपको बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस जो है ऑनलाइन में एप्लीकेशन करना होगा एंड सिलेक्शन प्रोसेस आपको मेरी लिस्ट के ऊपर जो है रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो तो बेसिकली आपको यहाँ पे ऑनलाइन में एप्लीकेशन करने के लिए लिंक जो है मैं इंडियन पोस्ट की मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। और यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस जो है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, डायरेक्ट आपको इंटरव्यू और भी नहीं होने वाला। आपको एप्लीकेशन करने के बाद जैसे GDS के रिक्रूटमेंट किया गया था उसी तरह से यहाँ पे इन तीनों पोस्ट के लिए फिर से जो है रिक्रूटमेंट किया जाएगा। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। और सैलरी की अगर बात किया जाए तो 18,000 से 81,000 तक आपको सैलरी भी यहाँ पे दिया जाएगा, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो जो भी कैंडिडेट एप्लीकेशन कर रहे हो आपको इस सारे चीज़ों को पता होना चाहिए, उसके बाद एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन करने के लिए जो एज क्राइटेरिया दिया गया हुआ है 18 से 40 ईयर्स तक कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते, और 18 से 40 ईयर्स तक कैंडिडेट जो है यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पे एप्लीकेशन के साथ साथ एज रिडक्शन भी आपको मिलेगा अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते तो एज रिडक्शन आपको मिलेगा। तो मिनिमम जो एज क्राइटेरिया दिया गया वो है 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम जो है 40 ईयर्स तक कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते। और एज रिडक्शन की अगर बात किया जाए तो 5 ईयर्स फॉर जनरल SC ST कैंडिडेट, एंड उसके बाद अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते जैसे कि OBC वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते तो आपको जो है यहाँ पे 3 ईयर्स की एज रिडक्शन मिलेगा। तो ये था पूरा जानकारी। अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन कर रहे हैं तो पोस्ट वाइज यहाँ पे एज क्राइटेरिया कुछ इस तरह से दिया गया है। इसके बाद आता है एप्लीकेशन फ़ीस। अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन फ़ीस की बात किया जाए तो 100 रुपीज़ आपको एप्लीकेशन फ़ीस आपको देना पड़ेगा। 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस फॉर जनरल एंड OBC SC ST के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस आपको नहीं लगेगा, इसको भी आपको ध्यान में रखिएगा। और इसके साथ साथ अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे 10th 12th ग्रेजुएशन इस तरह की जो क्वालिफिकेशन होता है उन क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप लोग भी यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। तो दोस्तों यही था आज की अपडेट। अगर आप लोग एप्लीकेशन तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसी तरह से एप्लीकेशन कर सकते हो। बहुत जल्द जो है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, उसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। अगर पसंद आए लाइक से तो एप्लीकेशन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा।